हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। 8 बज चुके हैं सुबह के। अखबार में क्या आया आज, कुछ आई खबर? हाँ, बच्चों को फोन देना चाहिए। कहाँ लिखा है बच्चों को फोन देना चाहिए? तो तेरी आज क्या काम करेगा तू, कुछ काम करेगा? छुट्टी है, हैं? कुछ करेगा? कुछ नहीं करेगा। अच्छा, टीवी देखते रहेगा। अरे वाह, बहुत समझदार है बेटा तू तो यार। टीवी देखना और मोबाइल में गेम खेलना, ठीक है? ठीक है, वेरी गुड। इतने यार समझदार बच्चे आजकल भी होते हैं, मैं तो सोचा हमारे समय में ही होते हैं। आज प्रियांशु की छुट्टी है तो इसलिए कह रहा है मैं आज पूरे दिन गेम खेलूँगा और टीवी देखूँगा मैच, क्योंकि इसके चल रहे पेपर। कितने पेपर रह गए अभी और? चार बचे हैं। अच्छा, तो अभी इसके चार पेपर लगभग रह गए हैं। और मैं भी उठकर अभी अभी योगा वोगा करके आया हूँ, तो अभी मेरे बाल भी कुछ ऐसे ही हो रहे हैं छतर पतर, तो बाल भी काफ़ी लंबे हो गए, तो कटाते हैं संडे तक। और इधर नाश्ता लगभग बन चुका है। सब्ज़ी कैसी बनाई आज? आज है हरी सब्ज़ी, क्या कहने, हुई हुई हुई। और इधर बना रही है लड़की रोटी, और रोटी के तो क्या कहने, इतनी पतली रोटी कि मतलब एक साथ दो रोटी मुँह में आ जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। पूरा पीस चाट के जा, आ जा, शाबाश, आ जा। गुड, पढ़ ले अखबार, पढ़ ले आराम से, पूरी खबर पढ़े के कुछ ना कुछ नॉलेज जरूर मिलेगा कहीं ना कहीं से, है नहीं? खाली क्या देखना है, चित्र वित्र देखना पड़े, इसमें बहुत सारी नॉलेज होती है इसमें अखबार में, ठीक है नहीं? और पढ़ाई कर ले फिर उसके बाद, अभी टाइम है। कल नहीं पढ़ा इसने, कल भी नहीं पढ़ा बेटा, ये बहुत भारी पड़ेगा आगे, मैं तुझे 10 बार समझा रहा हूँ। अभी की लापरवाही ना, बाद में फिर रोना पड़ेगा। हाँ, अभी समय है, सीरियस हो जा थोड़ा। और आज सुखा रहे हैं हम ठंड के कपड़े, रजाइयाँ, गद्दे, कम्बल, तो उतने निकालना जितने ज़रूरत है, खाली बाहर धूल फांक खाते रहे। तार में नहीं भी डालोगी तो इतना लोड तार झेल नहीं पाएगा, ये सारा साफ है, अभी बारिश से धुला पड़ा है सब। नीचे डाल दो सब, देखना नीचे नहीं गिर जाए खेत में, थोड़ा इस साइड को ज़्यादा करना। तो दोस्तों, ठंड लगभग शुरू ही हो गई है, रात तो काफ़ी ठंड लगी, मैंने तो एक चादर ले रखी थी और उस चादर में भी काफ़ी ठंड लगा, ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल दिसंबर जनवरी का समय है। तो इसलिए हमने आज तुरंत निर्णय लिया कि जो भी ठंड के रजाई, गद्दे, कम्बल हैं उनको सुखा लिया जाए, क्योंकि कुछ दिनों बाद तो धूप भी फिर मुश्किल से ही नसीब होगी। बस, अरे इतना वेट नहीं, टक से टूट जाएंगे, पूरा झुक गया देखो, ये तो हल्के कपड़ों के लिए तार ना। हाँ, दीवार में डाल दो, दीवार साफ है, बिल्कुल धूल है नहीं अभी। और आज हल्की फुल्की धुंध टाइप की भी लगी हुई है, क्योंकि अब जैसे जैसे ठंड आती जाएगी, बढ़ते जाएगी आगे, तो इसी प्रकार की धुंध लगेगी और धीरे धीरे फिर कोहरा लगना शुरू हो जाएगा। तो आज हमने सोचा है कि सारे जितने भी कपड़े हैं अंदर बक्सों में पैक हैं जो पूरे गर्मी भर, तो उनको आज हम सुखाएंगे बढ़िया से, क्योंकि ज़्यादा दिन बक्सों में रहो तो उसमें से सीलन की महक टाइप की आने लगती है, तो उनको सुखाना ज़रूरी है। और इधर प्रियांशु का नाश्ता शुरू हो चुका है, तो इसको तो सुबह सुबह नाश्ता चाहिए, क्योंकि बच्चों को सुबह सुबह भूख लग जाती है जैसे कि, तो इसको भी सुबह सुबह भूख लग जाती है। लेकिन नज़र इसकी कहाँ है, टीवी में। अरे नज़र थाली में रख ले मेरे बेटा, खाना नीचे है, टीवी अगर थोड़ी देर बंद कर दोगे कुछ नहीं जाएगा, 15-20 मिनट, आधा घंटा है, कुछ कह रहा हूँ सुनाई दे रहा है, दिमाग में घुस रहा है? हाँ, बस आराम से खा लिया करो। और पिताजी चल पड़े अपने मिशन घास पर नाश्ता वास्ता करके, तो इनको तो हम रोक नहीं सकते, हमारी इतनी हिम्मत भी नहीं है कि इनको रोक पाएँ, तो इनको तो जाना ही जाना है, तो चले गए हैं, थोड़ा बहुत घास लेके आएंगे लक्ष्मी के लिए। ऊपर में जगह तो थी, इनके खोल होल हैं सबके, खोल होल भी सील सुल के कर देना सही बढ़िया से, ये तो बेकार ही हो चुके रजाई वैसे भी, आजकल इनका फैशन भी चला गया वैसे भी, चलो जब तक हैं तब तक तो बिछाने के तो काम आएंगे, बिछाने के क्या, ओढ़ने के आएंगे, कुछ ना कुछ काम तो आएंगे, सुगा सुगू दो बढ़िया से। तो वो छत में हो चुकी है जगह एकदम फुल, चारों तरफ डाल दिए हैं लगभग, बाकी रोड की साइड नहीं डाले क्योंकि वहाँ धूल वूल आती है, तो अभी जितने बचे हुए हैं इधर डाल देते हैं नीचे बाउंड्री में। ओए कैंडू,
और इन जनाब ने दूध पी लिया है जमकर, तो अब इनको सूझ रही है मस्ती, हैं अब सूझ रही है मस्ती। क्या है हाँ कुकू, तुझे नहीं मिला कुछ अभी, तुझे नहीं मिला, अभी खाएगा, अभी मैं नाश्ता करूँगा फिर दूंगा बढ़िया से, ठीक है। तो आज चला हुआ हमारा सफाई अभियान और कपड़ा सुखाओ अभियान, कहाँ है नमस्ते भैया नमस्ते, जाला साफ करने वाला दिखाओ बढ़िया से, जो लंबा हो जाए आसमान तक पहुंच जाए, आसमान तक नहीं पहुंच जाए। अरे दादा यार फिर आसमान कैसे साफ होगा। और ये आ चुके हैं हमारे छोटे भाई बलवंत सिंह मेहरा, क्या ले जा रहा है, ये गेहूँ है धान है, अच्छा सफाई बढ़िया होता है, दिखा दो लंबा करो तो कितने आए, देखो ये लंबा, अरे ये सही होगा ना, ये उससे अच्छा ये होगा इससे, क्यों इससे साफ ज्यादा बढ़िया होगा ना, दिखाओ तो लंबा करो तो, वाला भी आता है। अरे खोलो तो इसको, इतना ही लंबा है, हो गया। बस अरे दादा ये तो बहुत छोटा है, पहुंच रहा आसमान तक देखो तो, नहीं पहुंच रहा। तो दोस्तों हमें एक सफाई के लिए चाहिए था, दिखा दो मिंचू ये जाले वाले साफ करने वाला, क्योंकि जो पहले वाला था वो हमारा टूट गया बीच में से, तो अभी ये सुबह सुबह आ गए दादा मौके पर, तो हमने ये ले लिया है, तो अब हम सारे जालों की ऐसी तैसी कर देंगे। ये लो ले जाओ, चल लग जा शाम में, अभी से शुरू हो जा बेटे, जा जाओ सब जाले साफ कर दो, चमका दो पूरा घर। तो ये है पुराना वाला, मैडम पुराना वाला भी ले आई उनको दिखाने, तो नीचे का कहाँ है इसके, अरे नीचे वाला उसमें भी फिट हो जाएगा थोड़ा, हाँ 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 चलो दो दो हो गए, अब जहाँ जो यूज हो उसको वहाँ यूज करना, चल रख अंदर आप, ज़्यादा खुला खाली मत कर, चलो आप दो दो हो गए तुम्हारे पास, देखते हैं कितनी सफाई करते हो, तो ये तो करना ही है। देखो इसका क्या हाल हो रहा है, ये भी साफ करना बहुत, साइकिल को बेचो ना है क्या, फेंक रखी है, क्यों बेचो कह रहा है साइकिल को, क्या काम आएगी कभी, क्या काम आएगी इतनी छोटी साइकिल, छोटी कहाँ है वो, तुझे छोटी लग रही है, अब तो नहीं आ रही है, तो नहीं जब आएगी तब आएगी, ये देख जब आएगी तब आएगी, सब फेंके पड़े हैं सामान, कीमती सामान सब, यहाँ भी सब साफ करना है। तो दोस्तों सफाई का बहुत ज़्यादा काम है, चारों तरफ गंद गंद पड़ी है, सारा सामान इधर उधर हो रखा है, क्योंकि गर्मी में तो कुछ कर नहीं सकते, गर्मी इतनी होती है कि अंदर काम करने का मन ही नहीं करता है, तो अभी मौसम थोड़ा नॉर्मल हो गया तो धीरे धीरे अब सारा सामान बढ़िया से रखना है, सब साफ सफाई करनी है, तो कुल मिला के बहुत काम है एक आध महीना। बच्चों ने पता है हमसे कहना भी नहीं पड़ता था कि ये साफ करो वो साफ करो, इतना मतलब शौक था अपनी चीज़ें संभालना, कॉपी किताब अपनी जगह रखना, क्योंकि आदत है जैसी बचपन में बनती है बेटा वैसे ही बड़े होकर रहती है, फिर वो फिर नहीं सुधर सकती, तुम सोचो ना हम बाद में करेंगे, बाद में सुधार कर लेंगे, बाद में नहीं करोगे वो शरीर ढल जाता है वैसे, फिर इसीलिए यही समय होता है। हाँ ठीक है, नहीं इसको मजाक में मत लिया कर, सीरियस लिया कर, चलो अपना वो बक्से उसे साफ करो, वहाँ जा उसके पीछे तो देख जाके एक बार क्या क्या गिरा हुआ है, निक्की क्यों करेगी, सारा निक्की करेगी, झाड़ू तो वो मारती है, पूरा घर साफ वो करे, खाना वो बनाए, सब कुछ वो करे, चल वो पढ़ाई भी तो है उसकी अपनी, फोन मिलेगा बाद में, जा तू पहले वो साफ कर, मुझे दिखा साफ करके, फिर फोन है, फिर फोन, हाँ मुझे साफ करके दिखा, मैं फिर दूंगा गेम खेलने के लिए, इसके पीछे एक बार झांक तू जरा बक्से के पीछे, दिख रहा है कुछ, हाँ दिख रहा ना, पहले एक साफ करता हूँ ना, हाँ ये बक्से उठा के इसमें रख, ठीक है ये वाले बक्से उठा के रख इसमें, हाँ ऐसे ऐसे करके, हाँ दो लाइन में लगा दे, ऐसी साफ कर दे बढ़िया से, दादू का कमरा चमका दे तो पूरा, और एक तुम लोग जो ये बक्से के ऊपर के है ना ये कवर पीछे फेंक देते हो फिर उठाते नहीं हो, वो तो कब से गिरा हुआ है पीछे, अब बाद में उठाना पहले हटा, अभी धूल है उसमें बहुत, हाँ रख इसके ऊपर, थोड़ा थोड़ा सफाई करते रहो दिवाली से पहले तभी तो हो पाएगा, और ये अखबार जो फालतू है सब भेज दो, ये हाँ, मैं कह तो रहा था। खाली अंदर गंद बंद रखो फालतू, बेटा कितना साफ हो रहा है देख, साफ है ये देख, आराम से इसको ले जा बाहर, ऐसे मोड़ के ले जा पूरा बंडल बना के बाहर ले जा। तो दोस्तों प्रियांशु जी बड़ी मुश्किल से सफाई करवा रहा हूँ मोबाइल का लालच दे के, क्योंकि आजकल के बच्चे बिना मोबाइल का लालच दिए कोई काम करने को राजी नहीं होते हैं। हाँ झाड़ आज दादू का कमरा तो पूरा साफ कर ही दो कम से कम, आज घर ही है तू, छुट्टी है तेरी, पढ़ेगा कब का, कितने दिन की छुट्टी है, आज ही आ जाए, हाँ पढ़ाई भी करनी है, नहीं पढ़ाई छोड़ के तुम काम पर लगे रहो, पढ़ाई का नुकसान नहीं होना चाहिए, पढ़ाई पहले है, पढ़ाई तो तू भी करेगा कुछ काम, या खाएगा खाली दूध ही दूध पीना है तुझे, आ जाते झाड़ू लगा, बड़े मजे से सोया रहता है यहाँ, इसको भी लगा काम में, हाँ तसला, हाँ ये लाए ना, और इनको अंदर रख देना, देख जंग खाते तुम बाहर ही छोड़ देते हो, ये कहाँ ये जंग वाला कहाँ था, ये तो बाहर रखा था,
जो सामान जहाँ से उठाते हो वहीं दोबारा रखना है उसको, यानी इधर से उठा के कहीं और फेंक दिया। हाँ इसे पहले वो ऊपर ऊपर का दीवार का। हाँ ये हुई ना बात, बढ़िया से मन लगा के एकदम। चल शेर, तो यहाँ पर निक्की का सफाई अभियान शुरू हो चुका है। वेरी गुड वेरी गुड। कहाँ लगाएगी पहले? वहीं। हाँ पीछे साफ करते बढ़िया से। वो प्रियांशु जहाँ साफ कर रहा है, फोन चलाने के चक्कर में बिल्कुल दौड़े दौड़े आ गया वहां पर। मैं आया था इधर को। वो क्या कह रही है? देख सब तो उठा रखा है। क्या निकी बक्सा वैसे मत सरकाना, ऊपर उठा के सरकाना है बक्सा। मैंने नहीं, पापा ने सरकाया बक्सा। बक्सा और सरकाना है? हाँ एक बार और साफ कर लीजिए, हवा में कर रहा है ये भी हटाइए, इसको भी हटा, एक बार हटा। आराम से डाल दे पपड़ी पपड़ी। देख वो कितना निकल रहा, तूने भी साफ करा हो क्या? वो देख अभी कितना कचरा निकल गया वहाँ पर से। तो वो डीप में जाके करेगी मैंने। निकी और सफाई करनी होगी तो ब्रश भी है यहाँ पर, उससे कर लेना निकालने के लिए। ऊपर का निकलेगा नहीं, दे दे उसको, वो अपने हिसाब से कर लेगी। और बक्सा सरकाना होगा बताना, आराम से गिरना मत बस। तो थोड़ा पंखा साफ करना रिस्की है क्योंकि वहाँ से थोड़ा गिरने का खतरा है, इसलिए मैं सोच रहा था पंखा उनका ये चीज़ें जो ऊपर की हाइट में वो मैं साफ कर लूँगा, लेकिन लड़की गहरी में करती हूँ तो करने देते हैं। ये निकाल, ये आगे को उल्टा हो गया बक्सा, पगड़ा ही उल्टा है। जो भी बक्सों के ऊपर है ना सब निकाल दो, सब धोने हैं। आराम आराम से अभी ऐसे रख दो, फिर दोबारा हटाने हैं इमेज। ये जो इनके ऊपर के कवर है धोगे फिर दोबारा, आराम से। तो ये कमरा भी लगभग साफ हो ही चुका है, बच्चों ने साफ कर दिया है, पंखा भी साफ हो चुका है, और बाकी जो बक्सों के पीछे कचरा वचरा था वो सब साफ कर दिया है बढ़िया से। और इनके ऊपर जो हमने कवर रखे थे इनको ढकने के लिए बक्सों को, वो डाल दिए धोने के लिए वॉशिंग मशीन में। तो कुल मिला के जो है मोटी मोटी अभी सफाई हो चुकी है। तो अभी थोड़ा स्लिप रह गई है, जो सामान बिखरा है उसको बढ़िया से रखना है। तो ये अभी जब टाइम मिलेगा तो बच्चों के साथ मुझे लगना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा, तब जाके ये बिल्कुल सेट हो पाएगा। अब मुझे जाना है दिनेशपुर मार्केट जाना है, क्योंकि मुझे बरसीम के लिए बीज लाना है और भी दो चार काम है। तो आज का ब्लॉग अब यहीं पर एंड कर देते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें। तो मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक बाय बाय।